आज की इस क्लास में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। हमने इससे पहले की क्लास में प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था कि कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू सिस्टम के बारे में बात किया था, तो उसमें एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यूज और वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात की थी। जब ये तीनों प्रकार के टिश्यू सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं तो प्लांट पार्ट का निर्माण होता है। अलग अलग पादपों में और पादप भाग जैसे लीफ, स्टेम और रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम किसी प्लांट पार्ट जैसे रूट की टीएच काटते हैं तो हमें इस प्रकार का एक डायग्राम दिखाई देता है। हम पहले सारांश में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपरी भाग पर एपिडर्मिस पाई जाती है। इस एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलते हैं। एपिडर्मिस का आंतरिक भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स के अंदर एकल परतीय संरचना होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। उसके नीचे एक एकल परतीय बहुपरतीय संरचना पाई जाती है वो पेरिसाइकल कहलाती है। पेरिसाइकल से आंतरिक भाग की ओर जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाए जाते हैं, प्रोटोजाइलम पाए जाएंगे, मेटाजाइलम पाए जाएंगे, इत्यादि प्रकार के कई ऊतकीय संरचना पाई जाती है। अब हम इसकी एक एक परत के बारे में, एक एक लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने कई भाग देखे तो कौन कौन से भाग होंगे हमारे पास में। हम जब मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी देखेंगे तो सबसे पहली परत एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस किस प्रकार की होती है, क्या कार्य होते हैं, इसी प्रकार के कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, कॉन्जुगेटिव टिश्यूज और पिथ। तो कुल 7 भागों में पादप भाग को विभक्त करके इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। मूल में पाई जाने वाली इस एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा भी कहते हैं। ये एपिडर्मिस या एपिडर्मिस एक पतली पिलिफरस लेयर होती है जिसको हम राइजोडर्मिस भी कहते हैं। तो इस एपिडर्मिस का कितने नाम है, राइजोडर्मिस, पिलिफरस लेयर और एपिब्लेमा। ये इस पादप भाग की सबसे बाह्य परत आउटर मोस्ट लेयर होती है और सामान्यतः एक कोशिका दूसरी कोशिका के पास में सघन रूप से विन्यासित होती है, तब जाकर के इस प्रतीय संरचना का निर्माण करते हैं। और ये जो सघन परत की कोशिका होती है वो पेरेंकाइमेटस होती है। सामान्य तौर पर एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर होती है, लेकिन इसकी प्रत्येक कोशिका भित्ति मोटी होती है, थिन सेल वॉल होती है। मूल की एपिडर्मिस पर किसी भी प्रकार की कोई क्यूटिकल नहीं पाई जाती। और क्यूटिकल नहीं पाए जाने के कारण ये जल का अवशोषण आसानी से कर सकती, लेकिन कुछ ऐसी एरियल रूट पाई जाती है जिनमें क्यूटिकल पाई जाती है। इस एपिडर्मिस से एक सिंगल सेल रूट हेयर विकसित होते हैं। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको नाम देते हैं रूट हेयर। और ये रूट हेयर क्या कार्य करता है, रूट हेयर जल का अवशोषण का कार्य करते हैं। रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और थिन वॉल एपिडर्मल एक्सटेंशन है। एपिडर्मिस कोशिका, जैसे एक एपिडर्मिस कोशिका इसी की अतिवर्ती के फलस्वरूप एक रोम जैसी संरचना निकलती है, इसी को हम रूट हेयर कहते हैं। ऑर्किड जो कि वायुमंडलीय या एरियल रूट पाई जाती है, उस रूट में जल अवशोषण का कार्य एक बहुप्रतीय और विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती है, जिन कोशिकाओं को वेलामेंट टिश्यूज कहते हैं। वेलामेंट टिश्यूज होती है वो डेड होती है और इसमें कई प्रकार के बैंड लाइक थिकनिंग पाई जाती है। वेलामेंट टिश्यूज होती है वो सामान्य तौर पर क्या कार्य करती है, वायुमंडल से आर्द्रता का अवशोषण करती है, वाटर के
वल्कुट की क्षेत्र से वाटर का जो लॉस होता है उसको रोकता है और पादप भाग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। तो रूट हेयर के स्थान पर एरियल रूट के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को हम वेलामिन कहते हैं। एपिडर्मिस रूट में क्या कार्य करती है? तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री का निर्माण करती है, पादप भाग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, जल का अवशोषण करती है, खनिज लवणों का भी अवशोषण करने का कार्य कर सकती है। वेलामिन टिश्यू जो कि ऑर्किड जैसे पादपों पाए जाते हैं, द्वीपादीपीय पादपों में पाई जाती है, वायुमंडल से जल को अवशोषित करने का कार्य करती है। तो ये वही सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद में जो सेकेंड जो परत पाई जाती है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कोशिका सामान्य तौर पर ग्राउंड टिश्यूज की कोशिका होती है और ये एपिडर्मिस तथा वैस्कुलर टिश्यूज के मध्य पाई जाती है। कोशिकाएं पूर्ण रूप से पेरेन्काइमेटस होती है और एक कोशिका दूसरी कोशिका से लूजली पैक्ड होती है। लूजली पैक्ड का तात्पर्य होगा कि एक कोशिका यहाँ पे, दूसरी कोशिका यहाँ पे और तीसरी कोशिका यहाँ पे। इन कोशिकीय क्षेत्र में पर्याप्त अंतरकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। मक्का के रूट में यदि देखा जाए तो इस कॉर्टेक्स क्षेत्र की आउटर सेल्स या आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होती है, वो थोड़ी सी मोटी कोशिका भित्ति युक्त होती है और इसको हम हाइपोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। कुछ पादपों में कॉर्टेक्स विभक्त होता है। तो विभक्तिकरण की प्रक्रिया होगी वो सामान्य तौर पर तीन भागों में होगी। पहला होगा आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा होगा मिडिल कॉर्टेक्स और तीसरा होगा इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स होगा वो छोटी कोशिका युक्त होगा और उसकी कोशिका भित्ति पतली पाई जाती है, जबकि मिडिल कॉर्टेक्स होगा उसकी कोशिकाएँ बड़े आकार की होती है, इसके अंदर स्टोरेज स्पेस भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि सबसे आंतरिक परत की कॉर्टेक्स कोशिका है वो कुछ बड़ी होती है लेकिन वो हमेशा थिन वॉल युक्त होती है। तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि कॉर्टेक्स होता है वो तीन भागों में, आउटर, मिडल और इनर कॉर्टेक्स में होता है। जो इस क्षेत्र की कोशिका दिखाई देती है वो कॉर्टेक्स है। ये जो भाग है वो आउटर कॉर्टेक्स कहलाता है, ये मिडल कॉर्टेक्स कहलाता है और ये वाला इनर कॉर्टेक्स कहलाता है। अब इस कॉर्टेक्स के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस के बारे में बात करें तो जितने भी जलीय पादप है जैसे पोटेमेजिटॉन है, उसकी कॉर्टेक्स कोशिकाओं में बड़े बड़े एयर स्पेस पाए जाते हैं, वायुगुहिका पाई जाती है और वायुगुहिका पाए जाने का वो जल में पादप को तैरने में सहायता प्रदान करता है। यदि इन कॉर्टेक्स कोशिकीय क्षेत्र में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, जैसे कि एरियल रूट में अपन को देखने को मिलता है। यदि जलीय पादप है तो उस स्थिति में इस कॉर्टेक्स क्षेत्र के अंतर्गत वायु गुहिकाएँ पाई जाती है जिसके माध्यम से गैस एक्सचेंज का कार्य करती है। ऐसी कॉर्टेक्स कोशिकाओं को एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा में पाई जाने वाली वायु गैस एक्सचेंज के साथ साथ पादप को बायोसी प्रदान करता है जिसके कारण जलीय पादप आसानी से तैर सकते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाओं में कई बार स्टार्च और एरिगेस्टिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि एक रिजर्व फूड के रूप में होता है। इनमें कई रेजिन कैनाल्स और नलिकाएं पाई जाती है जिसके कारण ये पादप भाग को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के बाद में जो आंतरिक परत की मोटी कोशिका दिखाई देती है इसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, इसकी उत्पत्ति कॉर्टेक्स होती है। तो कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत की कोशिका अधिक दबाव के कारण संघनित हो जाती है और एंडोडर्मिस के रूप में कहलाती है। ये एक एकल परस्तरीय संरचना और बेयर लागर की कोशिकाओं से निर्मित होती है। इन कोशिकाओं में कई स्थानों पर कैस्पेरियन का स्थूलन पाया जाता है जिसके फलस्वरूप ये जल के प्रति अपारगमी हो जाती है। इन कोशिकाओं को कैस्पेरियन सेल्स के नाम से या कैस्पेरियन बैंड के नाम से जानते हैं।
कैस्पियन बैंड सामान्य तौर पर जाइलम के सामने स्थित कोशिकाओं पर नहीं पाया जाता, इसलिए कॉर्टेक्स होता हुआ जल इस कोशिकाओं से सेंडिड्रोमी से जाइलम में प्रवेशित होता है। जिन कोशिकाओं पर जिस एंडोड्रमिस की कोशिकाओं पर कैस्पियन पट्टिका नहीं पाई जाती वो जल के लिए पारगम्य होती है, इनको मार्ग कोशिका अथवा पैसेज सेल के नाम से जाना जाता है। तो पैसेज सेल हमेशा कहाँ पाई जाएगी, जाइलम के सामने स्थित कोशिका ही पैसेज के रूप में कार्य करेगी, बाकी कोशिका कैस्पियन बैंड के कारण जल का परिवहन नहीं करती। एंडोडर्मिस के आंतरिक भाग की ओर एक एकल परतीय बहुपरतीय संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना को हम पेरिसाइकल नाम लेते हैं। तो पेरिसाइकल है वो एंडोडर्मिस के बीच और वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। सामान्य तौर पर ये सिंगल होती है और कभी कभी ये मल्टीलेयर भी पाई जाती है, और बनी किसकी होती है, पेरिकाइमेटस ऊतक से होती है। जब हम स्माइलेक्स की बात करते हैं तो स्माइलेक्स में पेरिसाइकल होता है मल्टीसीरिएट होती है और मोटी कोशिका भित्ति युक्त होती है। पेरिसाइकल का रूट में कार्य क्या होता है, तो ये हमेशा पार्श्व मूल को उत्पन्न करता है। पेरिसाइकल से पार्श्व मूल विकसित होती है। पार्श्व मूल कौन सी हुई, ये एक मुख्य मूल, इस मूल से निकलने वाली ये जितनी भी मूलें होती है उसको लेटरल रूट के नाम से जाना जाता है। तो लेटरल रूट रूट से कहाँ से विकसित होती है, पेरिसाइकल से, जबकि रूट हेयर होता है वो एपिडर्मिस से विकसित होते हैं। रूट का केंद्रीय भाग होता है वो वेस्कुलर टिश्यूज कहलाता है। रूट है तो उसके अंतर्गत हमेशा रेडियल वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, अरिये सेवन पुल। इस प्रकार के टिश्यूज वेस्कुलर बंडल के अंतर्गत एक त्रिज्या पर जाइलम होता है जबकि दूसरी त्रिज्या पर फ्लोएम पाया जाता है। हमेशा जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अल्टरनेट स्थिति में पाए जाते हैं। जाइलम है, यदि मोनोकॉट की बात करें तो जाइलम छः या छः से अधिक संख्या में पाया जाता है। इस स्थिति को हम हेक्सार्क से पॉलीआर्क नाम देते हैं। जाइलम एक्सार्क होता है, अर्थात प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। मेटाजाइलम होता है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है जिसमें बड़ी बड़ी वेसल्स पाए जाने के कारण बड़े आकार की होती है। फ्लोएम होता है वो निर्मित होता है सीव ट्यूब से, कॉम्पिनियन सेल से और फ्लोएम पेरेन्काइमा से। इस प्रकार के फ्लोएम के अंतर्गत फ्लोएम फाइबर अनुपस्थित होता है। फ्लोएम भी जाइलम की तरह प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम के अंदर विभक्त होता है। प्रोटोफ्लोएम होता है वो परिधि की ओर स्थित होता है जबकि मेटाफ्लोएम होता है वो आंतरिक सतह की ओर स्थित होता है। ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है इसके अंदर ये कॉर्टेक्स क्षेत्र हैं, कॉर्टेक्स के बाद में ये एंडोडर्मिस है, ये जो बीच वाला पार्ट भाग दिखाई देता है वो फ्लोएम का है जबकि ये जो स्ट्रक्चर है वो जाइलम की है। बड़े आकार का गोला है वो मेटाजाइलम को प्रदर्शित कर रहा है, छोटे आकार का है वो प्रोटोजाइलम को प्रदर्शित करता है। अब इस रूट के अंतर्गत जाइलम फ्लोएम करते क्या है, जल का परिवहन करने का कार्य जाइलम करता है जबकि फ्लोएम के परिवहन का कार्य, खाद्य पदार्थ का परिवहन का कार्य फ्लोएम करता है। इसके अतिरिक्त कंडक्शंस के अतिरिक्त ये पादप भाग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य वाली कोशिकीय क्षेत्र होता है वो इसको नाम देते हैं हम कंजक्टिव टिश्यू अथवा संयोजी ऊतक। ये संयोजी ऊतक कहाँ पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम के मध्य वाले भाग में। कंजक्टिव टिश्यू हमेशा पेरिकाइमेटस सेल से निर्मित होते हैं। जब कोई रूट मैच्योर हो जाती है तब ये पेरेन्काइमेटस कोशिका स्केलेन्काइमेटस कोशिकाओं के अंतर्गत परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन कभी भी ये सेकेंडरी ग्रोथ को प्रदर्शित नहीं करता। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कंजक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत नहीं पाई जाती। पादप भाग में कंजक्टिव टिश्यूज क्या कार्य करता है, तो एक तो करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे स्टेन कणिकाओं का संग्रहण करने का कार्य करता है। तो इस कंजक्टिव टिश्यूज के अंदर जो डॉट ब्लू कलर की डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो स्टार्च ग्रेन युक्त संरचना होती है। किसी भी पादप भाग का केंद्रीय भाग होता है वो पित्त कहलाता है।
पित्त की कोशिका होती है वो सामान्य तौर पर बड़े आकार की कोशिका होती है। बड़े आकार की कोशिका पाया जाना मोनोकॉट रूट का एक स्पेशल करेक्टर होता है। ये हमेशा पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होगी, लेकिन पेरेन्काइमेटस कोशिका एक दूसरे से दूर दूर स्थित होने के कारण इनमें पर्याप्त मात्रा में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। कभी कभी पित्त की कोशिका भी संयोजी ऊतक की तरह स्क्लेरोकाइमेटस कोशिका में विकसित हो जाती है। जब पित्त जलीय मूल के लिए संदर्भ में बात करें तो उस जलीय मूल में पित्त कोशिका बड़े बड़े आकार की होती है, उनके मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश अधिक होता है जिसमें गैसें भरी होती है और ये पादप को उत्प्लावकता प्रदान करता है। पादप भाग में पित्त का कार्य क्या, फंक्शंस क्या होता है? तो फंक्शन पहला होता है स्टार्च ग्रेन का, स्टार्च की कणिका का संग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त इसमें पाई जाने वाली रेजिन कल कैनाल और डक नलिकाएं उपस्थित होती है जिसके अंदर पाई जाने वाली रेजिन प्रतिजैविकी या दीमक जैसे कीटों से रूट की सुरक्षा करता है। जब हम इसी मोनोकोट रूट को प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में बात करें, यदि प्रैक्टिकल में आपको प्लांट पार्ट दिया गया है और उसको आपको मोनोकोट रूट के संदर्भ में आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ करेक्टर होने चाहिए जिसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला है कि ऐसा पादप भाग जिसमें एपिडर्मिस की सिंगल लेयर हो, जिसमें क्यूटिकल नहीं पाई जाती हो, एक कल कोशिकीय और अनब्रांच्ड एपिडर्मल हेयर पाए जाते हो, कॉर्टेक्स होता है वो सामान्य तौर पर अविभाजित होता है, जिसमें एंडोडर्मिस बहुत बड़ी विस्तृत होती है, पेरिसाइकिल पाई जाती है, रेडियल वेस्कुलर मंडल पाया जाता है, एक्सार्क जाइलम होता है और कैस्पिन पट्टिका इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो हम ऐसे लक्षण युक्त पादप भाग को रूट कह सकते हैं। तो जब भी आपको कोई प्लांट पार्ट दिया जाए और उसका सेक्शन काटने के बाद आप उसका ऑब्जर्वेशन करो तो ये पॉइंट यदि उससे बिलोंग करते हैं तो हम उस पॉइंट को, उस पादप भाग को रूट कह सकते हैं। अब रूट भी दो प्रकार की होती है, मोनोकोट होती है और डाइकोट होती है। तो डाइकोट और मोनोकोट रूट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यदि उस पादप भाग में, उस रूट में 6 से अधिक वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो ऐसी रूट सामान्य तौर पर मोनोकोट रूट होती है। और दूसरा, केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले पित्त बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाओं युक्त होती है तो भी हम उसको मोनोकोट रूट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। रूट की जब टीएच काटते हैं तो उसका डायग्रामेटिक रूप से हम दो भागों में इसको बताते हैं। एक तो होता है कि वो आउटलाइन डायग्राम बनाया जाए और दूसरा होता है इसका सेलुलर डायग्राम बनाया जाए। तो जो ये जो डायग्राम है वो है आउटलाइन डायग्राम, जिसके अंतर्गत आपको रूट है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस जैसी विभिन्न प्रकार के भागों को इंगित करना होता है। तो बनाते कैसे हैं? इसको आउटलाइन के माध्यम से बनाते हैं। जबकि सेलुलर डायग्राम होता है वो कोशिकीय चित्र होता है, इस कोशिकीय चित्र को बनाना होता है। आउटलाइन इसकी प्रारंभिक संरचना के बारे में विस्तार से बताता है, जबकि सेलुलर डायग्राम होता है वो उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है कि वो किस प्रकार से होता है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हमने डिस्कस किया है एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट के बारे में। थैंक यू।